हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हमारा आज जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाने का ये ऐलान है, जिसकी सरपरस्ती चेयरमैन साबिक वजीर आजम जनाब मीर बलकशेर मजारी साहब वो फरमाएंगे। सूबा चाहिए, हक चाहिए, नून लीग के बागी अरकान असेंबली की ललकार। जनूबी पंजाब सूबा महाज की बुनियाद रख दी, इलाके को नजरअंदाज करने का शिकवा। साबिक वजीर आजम बलकशेर मजारी सरबराही करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ के बयानिए को पार्टी में भी पजीराई नहीं, नून लीग का हाल MQM जैसा हो गया। फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा बहुत से लीगी PTI में आना चाहते हैं मगर पार्टी में जगह नहीं। जाने वाले आधी लोटे हैं, फंड्स के बावजूद कुछ ना किया, वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। सहाफियों के लिए 8वीं वेज बोर्ड का ऐलान कर दिया, कहा सहाफी बरादरी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया, उनके हकूक का तहफ्फुज़ हमारा हक है। कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में होने वाला है? अगर ये कुछ होगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को आप भूल जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इमरान और जरदारी की जबान बोलते हैं, नवाज शरीफ की फिर तनकीद, जुडिशल मार्शल लॉ की मुखालफत का अमली मुजाहरा करें, चीफ जस्टिस से मुतालिबा। नवाज शरीफ ने मेट्रो बनाने के सिवा क्या किया? सिंध में हमने शोबाजी नहीं की, बिलावल का वार, कहा महरूमियां खत्म करने के लिए जनूबी पंजाब सूबे की बात की। नवाज तो खत्म हो गया है, नवाज हमेशा के लिए बाहर हो गया है, अभी इट्स मुस्लिम लीग शीन। निगरान वजीर आजम कौन, बुध को वजीर आजम और खुर्शीद शाह बैठक लगाएंगे। अपोजिशन लीडर कहते हैं बेहतरीन फर्द लाने की कोशिश करेंगे, गलती हुई तो जम्हूरियत को नुकसान होगा। अपने हवाले से बात की है, पानी के हवाले से तो संडा फोरम में हमने OGDCL वालों के साथ केस टेकअप किया, क्योंकि गर्मी भी आ रही है और रमज़ान का महीना भी आ रहा है तो बड़ी जेन्युइन नीड है, तो ये 30,000 जो है हम एडिशनल इंशाल्लाह पानी देंगे। आज न्यूज की खबर पर एक्शन, कर्क में पानी की किल्लत पर हुकाम ने नोटिस ले लिया, डिप्टी कमिश्नर शफीउल्ला ने हंगामी बुनियादों पर पानी फरहमी की हिदायत कर दी। शरीफ फैमिली के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत, वाजिद ज़िया से जिरा, आप गवाह को हिरासत कर रहे हैं, नायब प्रोसिक्यूटर का इल्जाम, मसला क्या है, क्यों बार बार एतराज कर रहे हैं, ख्वाजा हारिस का जज से शिकवा। 6 कौमी असेंबली के और 6 सूबाई असेंबली के 2 अरकान ने पार्टी छोड़ दी है। नून लीग के मुनहरिफ अरकान ने जनूबी पंजाब सूबा महाज की बुनियाद रख दी। जनूबी पंजाब में सियासी जलजला गया, मुस्लिम लीग नून को बड़े नुकसान का सामना, 8 अरकान असेंबली का पार्टी और नशिस्तें छोड़ने का ऐलान, जनूबी पंजाब सूबा महाज बना लिया। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 6 अरकान कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। अरे अकाबरीन तशरीफ फरमाए हैं तो उनकी मौजूदगी में मैं नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान से मुस्तफी होने का ऐलान करता हूँ। हमारे साथ बराबरी की सतह पर बातचीत नहीं होती रही और मैं एहतजाजन आज मैं अपना इस्तीफा देता हूं मेंबर कौमी असेंबली। मुस्लिम लीग छोड़ने वाले खुसरो बख्तियार का कहना है कि नए सूबे के कायम के बाद नया निजाम आएगा, जनूबी पंजाब के अहम सियासतदान हमारे साथ हैं। हम एक ही सियासी निकाती एजेंडे पर यहां इकट्ठे हैं, वो है जनूबी पंजाब में नए सूबे का कायम। आज अगर आप जुडिशरी को देखें तो नए सूबे के कयाम के साथ एक नया जुडिशल सिस्टम वहां मिलेगा, एक नया हाई कोर्ट आएगा और इंशाल्लाह ये सूबे के कयाम के बाद वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
हम उसको इंशाल्लाह लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट के ट्रायंगल की तरह बनाएंगे। साबिक वजीर आजम बलखशेर मजारी का कहना है कि पंजाब में मजीद सूबे बनने से विफाक मजबूत होगा, चाहते हैं सब मुत्तहिद रहें। तरक्की हुई हमारी तो कोई खास तरक्की नहीं है, हमने ये भी देखा है कि वहाँ रहने से हमें ये नुकसान है कि कोई हमारी परवाह नहीं करता। हमारी यही ख्वाहिश है अगर पंजाब को आप तीन जगह पर कर देते हैं, नॉर्दर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब एंड सदर्न पंजाब, उसमें ये तीन प्रोविंसेस हो जाए, मुकाबला भी अच्छा हो सकता है, कोई गड़बड़ नहीं। इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून में आने वाले इस इख्तलाफात ने सियासी मैदान में हलचल मचा दी है। इस सियासी जलजले के आफ्टर शॉक्स भी आने का इम्कान है। लीग नून के 8 अरकान ने पार्टी को खैरबाद कह दिया है और पार्लियामेंट से इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया है। नून लीग के मुनहरिफ अरकान में साबिक वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार, आलम डार लालिका, बासित बुखारी, सैयद असगर अली शाह और राना कासम शामिल हैं। मुनहरिफ अरकान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, जिन्होंने नए सूबे का मुतालबा भी कर दिया है। बलखशेर मजारी जनूबी पंजाब सूबा महाज के सरपरस्त होंगे। और अभी बताएं कि पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पहले ही कह दिया था कि नून लीग में धड़ाबंदी है, नून लीग और एमकेएम में एक जैसी सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून से इतने लोग तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं कि पार्टी में उतनी जगह ही नहीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि जल्द पंजाब से नून लीग शनाख्त खो देगी, जनूबी पंजाब से मुतालिक लाहे अमल जल्द सामने लाएंगे। नून लीग है वो बिल्कुल शिकस्त रेख्त का शिकार है और नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव उनकी अपनी पार्टी में भी उसकी कोई करेंसी नहीं है, वो नहीं बिक पा रहा। और जो क्राइसिस है नून लीग का वो मुख्तलिफ नहीं है जो एमकेएम का क्राइसिस है उससे, कि रोज़ाना उनसे लोग टूट रहे हैं और जहाँ पे जिसको जगह मिल रही है वो वहाँ पे जाता है। इतने लोग नून लीग से पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं कि हमारे पास जगह ही नहीं है उनको अकोमोडेट करने की। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नवाज लीग खत्म हो गई, अब मुस्लिम लीग शीन आ गई है। 2018 का इंतखाब मुस्लिम लीग शीन और तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ना है। मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई, अब मुकाबला मुस्लिम लीग शीन से होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 2018 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग शीन और तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ेगी। मुस्लिम लीग नवाज तो खत्म हो गया है, नून नवाज हमेशा के लिए बाहर हो गया है, अभी इट्स मुस्लिम लीग शीन। और 2018 के इलेक्शन में अभी तक मेरा ये पोजीशन है कि हमने मुस्लिम लीग शीन के खिलाफ भी लड़ना है और पीटीआई के खिलाफ भी। बिलावल का कहना था कि अवाम को कोई गर्ज नहीं कि किसे क्यों निकाला, अवाम मसाइल का हल चाहते हैं। नवाज शरीफ ने मेट्रो के अलावा क्या काम किया है? सियासी हालात देखकर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी खदशात का इजहार करते हुए आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिया, कहा इन हालात में कौन नताइज तस्लीम करेगा। हमवार मैदान नहीं मिल रहा, आम इंतखाबात कैसे शफाफ हो सकते हैं, नवाज शरीफ ने खदशात का इजहार कर दिया। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि सूबे पंजाब की खराब कारकर्दगी की बातें की जा रही हैं, अगर ये सब होगा तो शफाफ इलेक्शन को भूल जाएं। ये कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में होने वाला है, अगर ये कुछ होगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को आप भूल जाएं। और फिर यहाँ तक भी कहा जाता है जी कि पता नहीं शायद इलेक्शन को और कुछ आगे ले जाया जाए, क्यों ले जाया जाए भाई क्यों। नवाज शरीफ का कहना था कि चीफ जस्टिस ने कहा किसी किस्म का जुडिशियल मार्शल लॉ कबूल नहीं है, इसका अमली मुजाहिरा होना चाहिए पार्टी के सदर से हटने के। और फिर जो हमारे सेनेटर्स के साथ जो सलूक हुआ है मैं उसके साथ मुशावरत दूंगा, मैं कहूँगा कि ये चीज़ें तो जो है वो नफ़ी करती हैं उन तमाम बातों की जो चीफ जस्टिस साहब ने कही।
नवाज शरीफ ने कहा कि एहतसाब अदालत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के लिए वकील ख्वाजा हारिस से मशवरा करेंगे। इस सिलसिले में कानूनी दरख्वास्त दायर की जा सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ किरमानी का कहना है कि पार्टी मुत्तहिद है, मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई इंतशार और कोई इख्तिलाफ नहीं है। नई हलका बंदी में जिन अरकान के हलके मुतासिर हुए और जिन्हें इल्म है कि उन्हें इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगा, सिर्फ वो उड़ान भर रहे हैं। जो लोग वोट जा रहे हैं जिनके हलके मुतासर हुए और वो लोग जा रहे हैं जिनको पता है कि आइंदा इलेक्शन में उनको मुस्लिम लीग नून से टिकट मिलने के इम्कानात सिफर हैं, और तीसरे कुछ स्पेशल सीट के लोग हैं जिनका अपना कोई हलका ही नहीं, तो ये मुस्लिम लीग तो मुत्तहिद है। कोई ऐसा बंदा मुझे बताएं कि जो अपना हलका जिसका हो मजबूत हलका और ये डीलिमिटेशन में वो मुतासर ना हुआ वो अगर छोड़ दे। और एमक्यूएम पाकिस्तान की एक और पतंग कट गई। एमक्यूएम के रुकने सूबाई असम्बली सलीम बंधानी पीएसपी से बन गए। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि तेजी से अराकीन कौमी सूबाई असम्बली पीएसपी में शामिल हो रहे हैं। पीएसपी के आंगन में एक और पतंग आ गिरी।